तो हेलो एवरीवन, आज की हमारी मूवी थोड़ा हटकर है क्योंकि इसमें हमें सीरियल किलर और रोमांटिक ड्रामा दोनों देखने को मिलेंगे। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें डीगो को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है और यह सब वह अपने पिता के कारण कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सेक्स कर रही होती है और फिर जब वह सुबह उठती है तो उनके दो फ्रेंड भी आ चुके होते हैं और फिर वह चारों गाड़ी के अंदर बैठकर टूर पर निकल जाती है और फिर वह एक विलेज में अपनी कार रोकती है और बियर बार के अंदर आकर रास्ता पूछने लगती है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों की उन पर गंदी नज़र होती है, लेकिन एक आदमी उन्हें वहाँ से भेज देता है और फिर वह कुछ देर बाद अपने घर पर पहुँच जाती है और फिर जब वहाँ पर रात होती है तो वह लाउड स्पीकर में गाना बजाने लगती है और नाचने लगती है। और दूसरी तरफ डीगो और मैरियो अपने घर में डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वह उन चार लड़कियों के पास चले जाते हैं और उन्हें बंदूक दिखाकर उनके साथ सेक्स करने लगते हैं। और फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि उनमें से एक लड़की जब डीगो पर बंदूक चलाती है तो उसे पता चलता है कि बंदूक में गोली ही नहीं है और फिर डीगो उस लड़की को मार कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस आ जाती है और वह डीगो को जब पकड़ने वाली होती है तो डीगो उन पर हमला कर देता है और वहाँ से चला जाता है और वह तीनों लड़कियाँ डीगो को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जब वह उसे मारने के लिए आ जाती है तो डीगो का बेटा मैरियो उन पर हमला कर देता है और लेकिन वह तीनों उसे मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। और यह देखकर डीगो बहुत गुस्सा होता है और उनमें से एक लड़की को पकड़कर उसे ट्रैप में फंसा देता है, लेकिन तभी दोनों लड़कियां वहां आती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन डीगो ट्रैप ऑन कर देता है और वह लड़की मर जाती है और वह उन दोनों पर हमला कर देता है और उन दोनों में से एक लड़की डीगो को गोली मारकर भाग जाती है। और फिर जब वह अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस आती है तो वह देखती है कि डीगो ने उससे उसकी दोस्त को भी मार दिया है और फिर डीगो उस पर भी हमला कर देता है, लेकिन वह लड़की डीगो पर एसिड डाल देती है और वह मर जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।